आज हम डेलिकेशन सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। डेलिकेशन सब्सटेंस होते क्या हैं? तो ये ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको आप एयर में रख दो, तो आप एयर में इनको रख दोगे तो ये इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एयर से कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बन जाता है। इनको हम बोलते हैं डेलिकेशन सब्सटेंस। तो ये तो एक मैजिक हो गया। मैजिक क्या होगा कि हम लैब में गए और लैब में हमने एक चाइना डिश में और हमने एक सब्सटेंस रख दिया, एक सॉलिड सब्सटेंस रख दिया और रख के चले गए लेक्चर अटेंड करने। जब हम 5 to 6 hour बाद आए तो हम देखते हैं कि चाइना डिश से सब्सटेंस गायब है और ऐसा लगता है कि वो सब्सटेंस जो है वो कोई चुरा के ले गया और उस चाइना डिश में जो है वो पानी भर के चला गया। हमको बहुत गुस्सा आया कि यार कोई हमारा सब्सटेंस जो है चुरा के ले गया, और चुरा के ले गया वो तो ठीक है, वो पानी भर के चला गया। हमने फिर सब्सटेंस रखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने दोबारा सब्सटेंस रखा और हम फिर पढ़ाई करने चले गए और 5-6 घंटे बाद फिर आए तो देखा फिर सब्सटेंस गायब था, कोई पानी भर के चला गया। हमने कहा ये यार कोई अच्छा मजाक कर रहा है। लेकिन फिर हमने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो वहां तो कोई लैब में आई नहीं था, तो फिर पानी कहां से आ गया। तो इस बार हमने क्या किया, उसी सब्सटेंस को फिर से रखा और 5-6 घंटे तक हम वहीं बैठे रहे और देखते रहे। हम देख रहे हैं वो सब्सटेंस जो है पहले गीला हुआ, चिपचिपा हुआ, फिर इसके बाद वो गीला होता 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 इतना ज़्यादा उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। उसमें पानी किसी ने डाला नहीं, वो पानी उसने एयर का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और वो डेलिकेशन सब्सटेंस बन गया। तो ऐसे मैजिकल सब्सटेंस जो होते हैं, ऐसे मैजिकल सॉलिड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपके डेलिकेशन के हैं, तो कुछ हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो डेलिकेशन होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप एयर में रख दोगे तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो बना लेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं, और इसका जो कॉमन नेम होता है KOH का, इसको बोलते हैं ये कास्टिक पोटास कहलाता है। तो दोनों के दोनों ये जो हाइड्रोक्साइड हैं ये हमारे डेलिकेशन सब्सटेंस हैं। फिर इसके बाद आपका कुछ एग्जांपल होते हैं, कुछ क्लोराइड्स ऐसे होते हैं जो डेलिकेशन होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड, LiCl, लिथियम क्लोराइड। तो ये कुछ क्लोराइड ऐसे होते हैं जो डेलिकेशन होते हैं। अब आप मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का जो डेलिकेशन नेचर जो होता है वो आप को पता चलता है कि हम ये देखते हैं कि रेनी सीजन में जो हमारा नमक जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है। अगर आपका रेनी सीजन में नमक जो है वो चिपचिप करने लगा, इसका मतलब ये है कि उस सोडियम क्लोराइड में वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं, वो इम्प्योरिटीज मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की होती हैं। अगर नमक में, हमारे नमक में ये इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एयर में, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो पूरे नमक को क्या कर देंगे, ये चिपचिपा चिपचिपा कर देंगे। तो रेनी सीजन में जो हमारा सॉल्ट जो होता है वो स्टिकी हो जाता है ड्यू टू दीज इम्प्योरिटीज, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज के कारण जो होता है वो हमारा नमक जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं नाइट्रेट्स के,
कुछ नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास डेलिक्वेसेंट होते हैं, जैसे कि कॉपर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट। तो ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस जो होते हैं, तो ये भी क्या होता है, इनको आप एयर में रख दो ओपनली, 5-6 घंटे बाद आओ तो ये आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इधर पे बन जाएगा। ये क्या बन गया यहां पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको पानी डालने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनका सॉल्यूशन बनाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, इनको एयर में रख दो ये अपने आप ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।